So now question number 18. Question number 18 has given you three situations. ये ना आपके पास एक ब्लॉक है, इस पे ना फोर्स लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की तो एक ही डायरेक्शन है, ये देखिए तरफ जा रहा है फोर्स, कभी तो ऐसे है ठीक है, कभी ऐसे भी है केस में, फोर्स ऊपर भी है, डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ है ठीक है, और एक और सिचुएशन दी है जिसमें ऐसे है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा, ये तीन सिचुएशंस दी हैं, अच्छा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये बात आपको क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होने पे फर्क पड़ेगा बात पक्की है, और फोर्स की डायरेक्शन होने पे भी फर्क पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही तरफ है इसमें पहले केस में, पर वर्क डन क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, displacement in force direction, सिर्फ displacement नहीं, धक्का यहां दे रहा हूं, ये धक्का यहां दे रहा हूं चल इधर राइट, समझ रहे ना आप बात को, धक्का यहां दे रहा हूं चल इधर राइट, ऐसे में वर्क डन नहीं हुआ, धक्का यहां दे रहा हूं चल इधर रहा हूं, यस इधर ही फोर्स इधर ही डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी डन, धक्का यहां दे रहा हूं चल इधर रहा हूं, गॉट माय पॉइंट, धक्का इधर दे रहा हूं और चल इधर रहा हूं, नेगेटिव वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ठीक है, तो पहले केस में क्या है, द एंगल इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एट अ राइट एंगल 90 डिग्री, जीरो द वर्क डन इज जीरो, दूसरी सिचुएशन में जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, सो वर्क डन इज पॉजिटिव, जिधर फोर्स था उधर डिस्प्लेसमेंट था, तीसरे केस में फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, सो वर्क डन इज, समझ में है ना, फोर्स की डायरेक्शन मैंने ये ले ली, ये पॉजिटिव है अगर तो डिस्प्लेसमेंट क्या है नेगेटिव है, इस केस में मान लो डिस्प्लेसमेंट मैंने पॉजिटिव ले लिया तो फोर्स नेगेटिव है, ये फोर्स है एक्चुअली फोर्स है, तो क्या आएगा, तो पहले केस में जीरो, दूसरे में पॉजिटिव और तीसरे में नेगेटिव, थैंक यू वेरी मच।